तमिलनाडु के चिदम्बरम से घटना सामने आई जिसको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। देश में लगातार बच्चियों के साथ रेप के मामले बढ़ते जा रहे हैं। तमिलनाडु में नाबालिग छात्रा की कहानी सुनकर सभी का दिल दहल उठा। एक सरकारी स्कूल की 11वीं कक्षा में पढ़ने वाली एक नाबालिग छात्रा को पेट में दर्द हुआ और वह शौचालय गई, जहां प्रसव पीड़ा के दौरान उसने एक मृत बच्चे को जन्म दिया। बच्चे को जन्म देने के बाद बच्ची ने गर्भनाल को कलम से काट दिया। किसी को पता ना चले इस कारण वह क्लासरूम में जाकर बैठ गई। यह कहानी सुनकर सभी के होश उड़ गए। एक नाबालिग छात्रा को कितना दर्द सहना पड़ा होगा यह सिर्फ वही जानती होंगी। इस घटना ने पूरे इलाके में सभी को परेशान कर दिया है। घटना के बाद स्कूल प्रशासन भी सदमे में है। मामले के सभी संभावित पहलुओं की जांच की जा रही है। छात्रा से जुड़े इस मामले की कुंडालोर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि तमिलनाडु में चिदम्बरम के पास एक सरकारी स्कूल की 11वीं की कक्षा में पढ़ने वाली बच्ची ने एक बच्चे को जन्म दिया और शिशु का शव स्कूल के शौचालय में फेंक दिया। पुलिस ने जाँच शुरू कर दी है कि नाबालिग को किसने गर्भवती किया। स्कूल के अधिकारियों को गुरुवार को स्कूल के शौचालय के पास बच्चे का शव मिला और इसकी सूचना भुवानीगिरी पुलिस को दी गई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी और शुक्रवार शाम को उन्होंने लड़की को भी पकड़ लिया। उसने स्वीकार किया कि उसने एक बच्चे को जन्म दिया था। उसने कहा कि उसे दर्द हुआ और उसने शौचालय जाकर बच्चे को जन्म दिया, जबकि लड़की ने कहा कि बच्चा मृत पैदा हुआ। पुलिस ने कहा कि उसकी मृत्यु हो जाती क्योंकि उसने बिना किसी की सहायता के बच्चे को जन्म दिया। पुलिस ने कहा कि लड़की ने गर्भनाल को कलम से काट दिया और वापस क्लासरूम में आ गई। लड़की ने पुलिस को यह भी बताया कि उसने स्कूल या परिवार में किसी को नहीं बताया कि वह गर्भवती है। पुलिस उसके संबंधियों और स्थानीय लोगों समेत कई लोगों से पूछताछ कर रही है ताकि उसे गर्भवती करने वाले व्यक्ति का पता लगाया जा सके।